सर्दियों में जब लगे वार्डरोब को अपडेट है करना, तक बिग ब्लिस के क्लोथिंग सेक्शन को एक्सप्लोर है करना। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान। कृषि उत्पादों की कीमतों में उतार चढ़ाव तो तय है, लेकिन इस साल कपास ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। पहले बेमौसम बारिश से कपास के फसलों पर असर हुआ था, जिसके बाद से दामों में भी भारी गिरावट देखी गई थी। भाव में कमी देख किसानों ने कपास का भंडारण करना शुरू कर दिया था। अब उन्हीं किसानों को कपास का रिकॉर्ड भाव मिल रहा है। सीजन के शुरुआत से ही किसान कपास के अच्छे रेट का इंतजार कर रहे थे। हर साल दिवाली के शुरू होने वाला सीजन मार्च में खत्म हो जाता है। अब खरीफ सीजन भले ही खत्म हो रहा है, लेकिन कपास की कीमत 11,705 रुपये प्रति क्विंटल है। वहीं अकोला जिले में भी 12,000 रुपये प्रति क्विंटल का भाव मिल रहा है। प्रत्येक सीजन के अंत में कीमतों में गिरावट निश्चित ही देखी जाती है, लेकिन इस साल कपास के मामले में यह फॉर्मूला लागू होता नहीं दिख रहा है। इसके विपरीत जिन किसानों ने कपास का स्टॉक किया था उन्हें अब रिकॉर्ड भाव मिल रहा है। हालांकि कई जिलों के बाजारों में अब कपास की आवक बंद हो गई है, किसान के पास कपास नहीं बचा है। वहीं जिन किसानों के पास कपास का स्टॉक है वह अब बेच रहे हैं और उन्हें काफ़ी फायदा भी हो रहा है, लेकिन किसानों से ज़्यादा व्यापारियों को लाभ हो रहा है। कपास की कीमत सीजन की शुरुआत से ही बढ़ने की उम्मीद किसान कर रहे थे। सीजन की शुरुआत में जो कपास 7,500 रुपये बिक रही थी वो अब सीधा 11,700 रुपये पर पहुंच गई है। सीजन में किसानों ने कपास कम कीमत पर बेचा था, लेकिन उस समय कुछ व्यापारियों ने बिक्री की बजाय भंडारण पर ध्यान केंद्रित किया था। अब कपास की कीमतें दोगुनी हो गई हैं। ऐसे में जो किसान स्टॉक किया हुआ कपास बेच रहे हैं उन्हें इतना फायदा नहीं हुआ जितना व्यापारियों की चांदी हो रही है। खरीफ में कपास के उत्पादन में कमी के बाद कीमतें स्थिर हो गई थीं, जिसके बाद कुछ किसानों ने स्टॉक जमा कर लिया था, जिसका उन्हें आज लाभ मिल रहा है। इसलिए किसान ने बाजार का अध्ययन करने के बाद सही समय पर बेचने का निर्णय लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।